हेलो डूटे बोर के दीवानों, तो भाई कैसे हो आप सभी। सस्ता GTA 5 की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। भाई डूटे बोर गेम के अंदर अब कुछ दिनों तक कोई नया अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि गेम के डेवलपर हैं भैया चुपचाप से यह कहकर निकल लिए कि उनको कुछ पर्सनल रीजन है जिनकी वजह से अब कुछ दिन तक इस गेम का नया अपडेट हमको देखने को नहीं मिलेगा। और भैया थर्ड करेक्टर की जो इंतज़ार कर रहे थे ना बंदे कि थर्ड करेक्टर आने वाला है, तो अभी थर्ड करेक्टर की अनलॉकिंग नहीं होगी। भैया हमको तो लगता है 3-4 साल लगेंगे यार थर्ड करेक्टर की अनलॉकिंग होने में। यार इतना टाइम लग रहा है भाई, आज हम लोग यार क्या करें इस गेम के अंदर। भाई हम लोग भी पक गए इस गेम को खेलते खेलते, तो भाई आज हम लेंगे पुलिस वालों से पंगा, यानी हम लोग आर्मी के बेस कैंप के अंदर चलेंगे और वहां पर एक बढ़िया सी गाड़ी उठा करके लाएंगे और देखेंगे यार इस नए अपडेट में पुलिस वाले कुछ भयंकर हुए हैं नहीं, या पिछली तरह ही वैसे ही नो पुलिस वाले हैं गेम के अंदर। तो चलो देखते हैं, आज हम लोग चलेंगे आर्मी के बेस कैंप के अंदर और वहाँ से एक बढ़िया सी गाड़ी को लेकर के अपने सिटी के अंदर आएंगे और उसको अपने गैराज में खड़ा भी करेंगे। तो चलो भाई, मतलब ओ भाई अरे मार डाला रे बदतमीज गड्डी वाले ने, भाई कैसा ठोका यार, मतलब भाई इतना बुरा ठोका यार, हम लोग मर ही गए। तो चलो भाई हम लोग आर्मी के बेस कैंप में जाने से पहले भाई हम लोग वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे यार, जिस गड्डी वाले ने हमको फोड़ा था ना पहले, हम लोग इसकी गड्डी को बम से उड़ा देते हैं। भैया अब तू बच ले, अब तेरी खैर नहीं, तो ले बेटा अब तू बम खा। और इसको हमने फोड़ दिया भाई, जिसने हमको गड्डी से फोड़ा था ना उस गड्डी वाले को हमने उसकी गड्डी को बम से उड़ा दिया है। तो चलो भैया हमने रिवेंज पूरा कर लिया अपना और जल्दी से चलते हैं भैया अब आर्मी के बेस कैंप के अंदर। और वो जो सामने बैंगनी कलर की कार खड़ी है ना, इसी कार के अंदर आज हम लोग जाएंगे बैठ करके आर्मी के बेस कैंप में। यह गड्डी बहुत ही सुपर फास्ट है, तो इसलिए हम इसी कार के अंदर चलते हैं आर्मी के बेस कैंप के अंदर। तो चलो भैया जल्दी से इस गाड़ी को खींच के लेकर के चलते हैं। देखा कितनी मक्खन की तरह चल रही है हमारी गड्डी, देखो भाई। ओ भाई अरे संभालो संभालो संभालो, संभल गई भैया संभल गई। तो चलो जल्दी से इसको सीधा करते हैं, और पुलिस के स्टार भी हमारे ऊपर लग गए थे, तो चलो भैया इन स्टार को भी हटाना जरूरी है। लो भाई अब पुलिस से भी हम लोग बच गए, अब पुलिस का भी कोई पंगा नहीं होगा। चलो भाई जल्दी से इस गाड़ी को लेकर के जाना पड़ेगा आर्मी के बेस कैंप के अंदर। भैया हम लोग वहाँ पर आज पुलिस वालों को तगड़ा पंगा लेने वाले हैं पुलिस वाले से। ओ भाई इस ट्रक वाले ने कैसा ठोका हमारी गड्डी, तो देखो यार कहाँ पर चढ़ा दी इस ट्रक वाले ने। अरे बदतमीज ट्रक वाले रुक जा, आज तेरी खैर नहीं भाई, आज हम ट्रक वाले को कुछ नहीं कहेंगे। और इसने तो हमारी गड्डी का मुंह ही तोड़ दिया भाई, मतलब ये क्या कर दिया यार, हमारी गड्डी का मुंह तो देखो यार कति एकदम से टूट गया है यार। तो चलो भाई कोई बात नहीं, गड्डी तो फिर भी धासु चल रही है, मुंह भले ही गड्डी का टूट गया हो गाड़ी फिर भी मक्खन की तरह चल रही है भैया। ओ भाई यहाँ पर फंस गई गाड़ी, तो चलो यहाँ से निकालते हैं भाई। निकल गई गड्डी और गाड़ी का एक साइड का हिस्सा तो बिल्कुल ऐसे हो गया भाई, बिल्कुल पिचक गया, और एक साइड का हिस्सा जो का तो है, मगर फिर भी गड्डी यार देखो क्या फैंटास्टिक चल रही है भाई, मज़ा आ गया। ओ भाई मतलब ये क्या हो रहा है, चलो इसको सीधा करते हैं। और चलो भाई मतलब यह जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज को पार करते ही आएगी एक फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में भाई कैसा ठोका, मतलब उस गड्डी वाले को कैसा ठोका यार हमने, और अब की बार हमारी गड्डी का कुछ नहीं हुआ। तो चलो इधर से ही हम लोग चलते हैं आर्मी के बेस कैंप के अंदर, और इधर से ही रास्ता जाता है। तो चलो इस गड्डी को मतलब भाई, ओ भाई और ओ भाई क्या हो रहा है यार हमारी गड्डी के साथ भाई, अब तो इसके पहिए भी जवाब देने लगे हैं। तो चलो आखिरकार लेकर के इसको ही जाना पड़ेगा। ओ भाई अरे 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 ओ भाई ये क्या हो गया, मतलब कहाँ पर चढ़ा दी थी भाई गड्डी, ओ भाई क्या खतरनाक स्टंट मार रहे हैं यार, ऐसे स्टंट हम लोगों को नहीं मारने हैं बिल्कुल भी भाई। हम लोग जा रहे हैं आर्मी के बेस कैंप के अंदर और ऐसे खतरनाक स्टंट मार कर हम लोग यहीं पर डेड हो जाएंगे, और आर्मी के बेस कैंप के अंदर हम लोग कैसे पहुँच पाएंगे, तो हम लोग ऐसे स्टंट यहाँ पर नहीं मार सकते। वो गाड़ी तो देखो भाई 157 भाई क्या कमाल चल रही है भाई, कमाल हो गया, मज़ा आ गया यार इस गड्डी को चला करके भाई, इतनी ज़बरदस्त ठुकी गड्डी, और फिर भी देखो यार क्या मक्खर की स्पीड से चल रही है भाई। देखो यार कितना जल्दी हम लोग आर्मी के बेस कैंप के पास भी आ गए भाई, देखो तो यार भाई मज़ा आ गया, कहते यार हम लोग कितना सुपर फास्ट आए। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई पुलिस वालों को। देखो भाई यहाँ की पुलिस तो एक्टिवेट हो गई, यानी 5-स्टार लेवल अब पुलिस का हमारे ऊपर लग गया है। तो चलो भाई मतलब यहाँ से कौन सी गड्डी को हम लोग लेंगे, तो इस गड्डी के अंदर ही हम लोग बैठ जाते हैं भाई। पुलिस तो अब तगड़े एक्शन में लग रही है, और देखो भाई पुलिस की स्वैट गाड़ी और कितने सारे पुलिस वाले अब यहाँ पर आ चुके हैं। यानी दोस्तों जब हम लोग पहले आर्मी के बेस कैंप के अंदर घुसा करते थे ना,
भाई यहाँ की एकदम कतई नो पुलिस थी। और देखते हैं यार क्या यहाँ पर पुलिस को थोड़ा बहुत परफेक्ट बना दिया गया है, यानी पुलिस पहले की तरह नो। ओ भाई क्या खतरनाक ठोका यार स्वैट गड्डी वाले ने भाई, मतलब अब तो लगता है ये हमको मार ही डालेंगे। तो भाई ओ भाई रे रे कि ये क्या हो रहा है। तो चलो भाई हम लोग फिर से गड्डी के अंदर बैठ चुके हैं, देखते हैं भाई आज हम लोग इनसे पंगा लेकर के क्या ये हमको पकड़ लेंगे या हमको मार डालेंगे। तो भाई हम लोग बच कर भाग जाते हैं यहाँ से। भाई इन्होंने तो हमारी एनर्जी यानी हमारी एचपी को कम कर दिया, आधा कर दिया भाई, यहाँ से निकलने में फ़ायदा है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई। देखो हमारी एचपी अब धीरे धीरे रिकवर होने लगी है। भाई पुलिस तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही, देखो भाई पुलिस कैसे हमारे पीछे पड़ी हुई है, यानी फाइव स्टार लेवल की पुलिस हमारे पीछे बहुत ही बुरी तरीके से पड़ी। ओ भाई क्या खतरनाक ठोका स्वैट वाले ने, और वह निकल गया। स्वैट वाला रुक जा, स्वैट वाले तेरी खैर नहीं, इसको हम ठोकते हैं पीछे से। और इसको हमने ठोका और मज़ा आ गया भाई, मतलब यार पुलिस के हेलीकॉप्टर भी गूंज रहे हैं सर के ऊपर। भाई यहाँ से भागने में ही भलाई है क्योंकि यह हमारी एनर्जी को खाते जा रहे हैं। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। और देखो भाई पुलिस वाला कितने खतरनाक तरीके से हमारे पीछे गड्डी लेकर भाग रहा है। अरे रुक जा पुलिस वाले भाई, मतलब ओ भाई ये नहीं रुकेगा। तो चलो यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है भाई। यहाँ पर अब आ चुके हैं हम लोग ब्रिज के ऊपर। और भाई ये देखो, मतलब ये क्या भाई पुलिस वाले ने कैसा ठोका, गड्डी का मुंह ही मोड़ दिया एकदम से, कतई जिधर हम लोग जा रहे थे उधर से अब इस पुलिस वाले को हम ठोकेंगे, यानी इसको अब हम लोग जल्दी जल्दी से ठोकेंगे। अरे रुक जा पुलिस वाले, अरे गंजे बाल कहाँ हैं तेरे भाई। देखो मतलब ओ भाई ये माइक में क्या बोल रहा है लगातार भाई, हम लोगों को रुकने के लिए बोल रहा है। अब देखो भाई अब तो हम लोग इनको पकड़ ही लेंगे, यानी यह हम लोगों को अब पकड़ ही लेंगे भाई। हम लोग ऐसे थोड़ा ही पकड़े जाएंगे, हम लोग इनकी बजाएंगे बैंड, अभी तगड़े वाली बैंड बजानी रह रही है। तो चलो भाई मतलब ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, यह देखो भाई रास्ता जाम कर दिया पुलिस वाले, अब हमको लगता है ये जाने ही नहीं देंगे। देखो आगे स्वैट गाड़ी और पीछे भी भाई, मतलब अब भागने में ही भलाई है। तो चलो अपनी गड्डी को सीधा करके लाते हैं और पुलिस वालों को एक ज़ोरदार टक्कर देते हैं। चलो भाई अपनी गाड़ी को यहाँ से सीधा करते हैं और फिर देते हैं पुलिस वालों को एक ख़तरनाक वाली टक्कर, यानी जो गड्डी के अंदर पुलिस वाले बैठे हैं ना इनको हिला देते हैं आज। तो चलो भाई मतलब पुलिस कहाँ है, और भाई पुलिस तो सामने ही है। चलो सामने इस गड्डी को ठोकते हैं, और ये रहा वह पुलिस वाला। तो चलो इसको ठोकते हैं, ओ भाई पुलिस वाला मर गया, यानी पुलिस वाला गड्डी के अंदर बैठा बैठा ही मर गया। देखो भाई मतलब पीछे उसकी डेड बॉडी जरूर पड़ी होगी, ये देखो ओ भाई फिर से जिंदा हो गया। ओ भाई ये मतलब ओ भाई लगता है लोटे बाहरी गड्डी यार पानी के अंदर ही फेंक दी भाई। चलो अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तो चलो अभी अपनी गड्डी को यहाँ से निकालते हैं। भाई पानी के अंदर भी नहीं पीछा छोड़ रहा, देखो तो भाई गंजा पुलिस वाला, भाई क्या खतरनाक सीन हो गया आज तो यार, पानी के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ रहा भाई देखो तो। अरे भाई किधर गया किधर गया, और लगातार वह हमारे पीछे ही घूम रहा है। तो चलो भाई जल्दी से, ओ भाई स्वैट गड्डी भी आ गई। अब तो भाई लगता है यह भाई कितनी खतरनाक पुलिस भाई पहले से तो ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, यानी अब इस गेम की पुलिस पहले से ज़्यादा खतरनाक है भाई। यानी पिछले अपडेट की पुलिस तो बहुत ही बकवास पुलिस थी, लोग एकदम कतई नोब, और अब जो पुलिस है ना यह बन चुकी है परो भाई, परो पुलिस बन चुकी है। तो ओ भाई ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई, गड्डी को ही देखो कैसे पलट दिया। और पुलिस वालों की जो यानी आर्मी वालों की जो ये गड्डी है ना, इसके अंदर हथियार वगैरह भरे हुए हैं, इसलिए पुलिस वाले हमारे पीछे लगातार पड़े हुए। तो चलो भाई आखिरकार हम लोग अपनी गड्डी को यहाँ से निकाल लिया, और चलो अब इसको लेकर के जाते हैं अपने घर पर। और यह पुलिस के स्टार भी हम लोग हटा देते हैं भाई, पुलिस के स्टार अब धीरे धीरे हटने वाले हैं, यानी पुलिस के फाइव स्टार लेवल अब कम होने लगा है। तो चलो भाई यह भी एक बहुत अच्छी बात है, वरना पुलिस वाले अगर हमारे घर तक आ जाते ना तो भाई कतई ख़राब हो जाता काम एकदम से। तो चलो भाई अपनी गड्डी को सीधा करते हैं और फिर अपनी गड्डी को इसको गैराज के अंदर सेव भी कर लेंगे। तो चलो भाई चलो 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 रे बाबू चलो। भाई हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं यार, हम लोगों को जाना है ब्रिज के उस पार, और हमारी गड्डी हो रही है आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलो आखिरकार हम लोगों ने गड्डी को सीधा कर लिया है। तो चलो भाई मतलब यहाँ पर हम लोग इस ब्रिज को पार करते ही अपने सिटी के अंदर हो जाएंगे एंटर। तो चलो भाई इस गाड़ी को ले जाते हैं खींच के, और भाई इस गाड़ी को हम अपने घर के गैराज में सेव करके भी देखेंगे, देखेंगे क्या यह गाड़ी हमारे घर के गैराज में सेव हो पाती है या नहीं। तो चलो इसको लेकर के जाते हैं अपने घर पर। भाई जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ यार, इस गेम के अंदर बड़ा होने वाला चीट कोड कौन सा है, यानी उस जिस चीट कोड की मदद से हम लोग हो जाते हैं बड़े, उस चीट कोड का नाम जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यार। तो चलो भाई आखिरकार हम लोग अपनी गड्डी को कूदा दिया भाई, कितना ऊंचा कूदा भाई, कमाल हो गया, मज़ा आ गया। चलो भाई मतलब हमारा घर तो अब बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, और पुलिस के स्टार अब सभी हट चुके, और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो चलो रात के अंदर ही हम लोग अपने घर पर भी आ गए हैं।
और ये देखो भाई, ये रहा हमारा घर। तो भाई हमारे घर के गैराज में तो पहले से ही एक पुलिस वालों की गड्डी खड़ी है, यानी आर्मी वालों की गड्डी हम लोग पहले भी चुरा करके लाए थे। तो पहले ही हमारे घर के अंदर गैराज में गड्डी खड़ी है, तो चलो इसको दूसरे गैराज में खड़ा कर देते हैं। और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम लोग दूसरा गैराज खरीद सकें, चलो हम लोग वैसे ही गैराज के अंदर खड़ी कर देते हैं। यानी उस गड्डी को देखो भाई, यह गड्डी हम लोग पहले चुरा करके लाए थे। देखो यह भी धासू गड्डी है, एकदम से ज़बरदस्त कतई एकदम से जहर गड्डी है। तो चलो भाई, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार वीडियो के नीचे वाला सब्सक्राइब बटन तोड़ दीजिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।